Thank you so much for EQ team for arranging this uh, beautiful uh, session. Thanks. Good afternoon. Uh, this is Kalpesh Kumar from Reflex Group. Thanks, EQ team, for organizing this event and inviting us. Thank you. Hello, everyone. This is Abhinash Chaudhary from uh, Race Power Infra subsidiary company Race Future Energy. And uh, <clears throat> very good evening for the good moment at SuryaCon. एंड कंटिन्यूर डिस्कशंस टिल द इंट्रोडक्शन कम्प्लीट नमस्कार मेरा नाम अरविंद सिंधावा है रियर रिनेबल एनर्जी एसोसिएशन से मैं हूं और ई क्यू मैगजीन का जो सूर्यकॉन इवेंट है बहुत ही फ्रूटफुल इवेंट है आपका एंड टू एंड जो डिस्कशन हो रहा है उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे निकलते हैं आज जो अवार्ड सेरेमनी हुई है एक मोटिवेशन लेवल डेवलप होता है चाहे आप छोटे लेवल पे हैं चाहे आप बड़े लेवल पे हैं अगर रिकग्निशन अगर आपको टाइमली मिलता है दैट मीन्स आप एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे बढ़ रहे हैं और दूसरी से तीसरी की तरफ आप अग्रसर हो रहे हो तो मैं बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा ई क्यू मैगजीन को कि ये इवेंट जो कंडक्ट कराते हैं रियली वेरी प्रोफेशनल इवेंट थैंक यू सो मॉडरेटर फॉर द सेशन इज़ मिस्टर अरविंद सर ओवर टू यू सर थैंक यू सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा अपना मेनली डिस्कशन जो है वो सोलर रूफटॉप पे है और आप सभी जानते हैं कि अगर हम सोलर रूफटॉप को अगर कैटेगराइज करते हैं तो सी एंड आई एक सेक्टर होता है सोलर रूफटॉप का दूसरा सेक्टर अगर, अगर अपन देखते हैं तो रेजिडेंशियल रूफटॉप होता है जो कि काफ़ी छोटा सेक्टर होता है अभी अगर हम थोड़े दिन पहले या दस या पंद्रह दिन की पहले की अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की क्योंकि मैं राजस्थान से ही डिस्कशन करना चाहूँगा और मेरे पैनलिस्ट को मैं बिल्कुल टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा क्योंकि क्या है कि डिस्कशन क्या है थोड़ा सा भटक नहीं जाए आपका भी टाइम कीमती है हमारा भी टाइम कीमती है तो सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगा एम प्लस से मिस मोमिता सिन्हा जी का आ, क्योंकि अगर हम शुरुआत करते हैं मैडम से तो एम प्लस खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है अगर हम इंस्टॉलेशन की अगर अपन बात करते हैं तो एम प्लस एक इतना एक्सपीरियंस होल्डर और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है कि आज जो एज ए ई अगर अपना बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उनको एक आइकन देखना चाहिए कि भाई आज अगर मैं ईपीसी में छोटे लेवल पर अगर मैं कहीं से शुरुआत कर रहा हूं तो मेरा नेक्स्ट लेवल कहां पे जाएगा तो मैं ममिता और मैम से ये पूछना चाहूँगा मैम कि आपका Uh, सबसे पहले तो मैं ये जो छोटे ईपीसी हैं जो आज अभी रेजिडेंशियल सेक्टर में सोलर रूफटॉप में काम करते हैं तो सबसे पहले आपका और उनका डिफरेंस अगर टेक्निकली और क्वालिटी वाइज अपन इस तरीके से आप डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु इज स्टार्टिंग रूफ बिजनेस एंड एम प्लस एज अ लर्निंग लेसन थैंक यू सो आई वु You know, how do you take your business to the next level when you're starting out as a smaller company? How do you grow to be something as large as an amplus or a Cleanmax or you know the other larger CNI players? So one of the key aspects that defines a really good player in the CNI segment is quality and safety. As at Ampris, we always believe, no matter what, there should be no compromise with either of these two aspects because this is what the brand is built upon this is what the trust of the customers is built upon and that is something i would expect that everyone is probably already focusing upon and should continue to be the mainstay of your business of your interactions with cni segment secondly of course with time um, how you bring in external financing because that will de define how you are able to grow your business how you are able to scale up so, Bringing in external financing will continue to be a game changer. So, from my side, this is what I would uh, advise everyone. Thank you, Mamita Ji. Uh, every, uh, everybody has to listen. The, uh, can I request people, those who are uh, talking at the back, please, uh, can you maintain a decorum? Secondly, uh, my second question goes to Mr. Amit Singh, who is a project chief of Clean Max. Can you please take up the mic? मेरा मतलब अगर हम सोलर रूफटॉप में अगर, अगर अपन बात करते हैं तो आज आपके सामने सेकंड वो पर्सनालिटी बैठी हुई है वो कंपनी की पर्सनालिटी बैठी हुई है जिनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा आज क्योंकि हम अगर हम रूफटॉप की अगर, अगर अपन बात करते हैं तो हम लोगों के साथ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं अगर मैं क्लीन से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर हाउ यू डिफ्रेंशिएट अ पॉलीक्रिस्टलाइन इंस्टॉलेशन एंड अ मोनोपर्क इंस्टॉलेशन वॉट इज अ मेजर डिफरेंस एक्चुअली यू नो देर इज अ वेरी वेरी बिग मिथ द पीपल डी यू स्टार्टअप यू पी सी वॉट दे आर यू नो ब्रिंग इन टू अफ अ कस्टमर दे आर से मेरा तो सात यूनिट बनाएगा पैनल अगर मैंने इंस्टॉलेशन किया तो ए, ये मतलब इट्स सच्चाई है या ये झूठ अफेक्ट क्या है मतलब थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल दू आज द डिफरेंस देर इज अ मेजर डिफरेंस The cost, this is a cost. There is a quality, and third is the generation. Cost, of course, there is a difference between the mono and the poly. Quality-wise, yes, there is also the different notice of the mono uh, quality of the mono versus the quality of the polo on a long-term basis. थर्ड इज अ जनरेशन ऑफकोर्स एंड यू सैट कि मेरा छः यूनिट बना है सात यूनिट बना है दट सम हाउ द डिपेंड ऑन द मॉड्यूल्स बट मोरसो इज डिपेंड ऑन अ कम्प्लीट यू नो द डायग्राम ऑफ द सोलर्स हाउ यू आर पुटिंग अप द मॉड्यूल्स वॉट इज द स्ट्रिंग कॉम्बिनेशन हाउ इज द इन्वर्टर सो नॉट ओनली द मॉड्यूल्स विद अदर कंपोनेंट्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू द गुड जनरेशन येस दिस इज वन ऑफ द पार्ट दैट द इफ यू कंपेयर टू द मोनोवर्सिज द पॉली वी आर गेटिंग द हायर जनरेशन बट दिस इज नॉट ओनली द वन ऑफ द फैक्टर सो दैट इज द माई आंसर टू ये क्वेश्चन थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू अमित सर next नेक्स्ट क्वेश्चन to मिस्टर कल्पेश हाउ यू टेक अ डेली जो सरकार जो है जैसे अगर हम डिस्कॉम की बात करते हैं कि पहले एक एंड यूजर जो रेजिडेंस का एंड यूजर था उसको तीन रुपये चौदह पैसे में हम लोग जो है आर समझाया करते थे आज अगर उसी का चैलेंज सुबह उठ के जब वो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको एक नया चैलेंज मिल जाता है कि आज उसकी यूनिट जो है वो दो रुपए की हो गई मतलब आज अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड से क्योंकि सोलर रूफटॉप में एक एक पैसे की कीमत होती है वहां पे अगर हम रेजिडेंशियल रूफटॉप की अगर, अगर अपन बात करते हैं तो रेजिडेंशियल रूफटॉप की हाटलाइट नेट मीटरिंग है अब नेट मीटरिंग में से ही अगर आप जो टैरिफ जो डिस्काउंट जो एक एंड यूज़र को जो पैसा देती है तीन रुपये चौदह पैसे का अगर डेली बेसिस पे नेट मीटरिंग में से अगर वो पैसा रोज़ एक्सपेरिमेंटल मोड में से हटा दिया जाएगा तो हाउ यू टेक कि मतलब नेट मीटरिंग चेंज होके किस रूप में तब्दील हो जाएगी और जो सोलर रूफटॉप का जो एक रेजिडेंस वाला इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि आपको भी पता है कि रेजिडेंस वाला हो सकता है एक महीने दो महीने के लिए छुट्टी पे चला गया तो इज दिस अ वेस्ट ऑफ अ एनर्जी so uh, i just confirm the question you are asking the change in the policy due to net metering earlier people was getting uh, meter versus unit versus used it then it changed to unit versus some amount of appc tariff and now it's been reduced to 1.5 rupees so yeah that, that's the biggest problem in the, in the entire solar industry whether you talk about open access net metering or rooftop that's been challenging because the policy keep on changing when you make the investment you have certain assumption in your mind you you take a project cost estimation you take generation estimation you take some policy a, a estimation that this is the policy which is i am going to take it for you know longer period of period of time those challenges, if you, if, you, if you are not able to cope then it's your project the entire investment is gone basically so you have thought that i'll be getting that much amount of money as a cashback but you are getting half of it then the the amount which you are already invest you can't do anything on that so the change in policy in any, any places, in the, whether it's a net metering or open access, it's very challenging part. I'll take, give you a few more examples. The, the solar, electricity duty on the solar. Rastan has closed it. Now everyone has to pay for it. That's an additional charge, no one has thought. Even the project we have done in the long period or the old days, they're also paying to the same burn. So sudden change in the policy, it's a, it's a very, very bad for the industry. थैंक यू थैंक यू सर माई नेक्स्ट यू नो वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन गोज़ टू मिस्टर अविनाश चौधरी जी बिकॉज ये जयपुर से ही हैं और सोलर uh, को मतलब आप मुझे अगर मैं देखूं तो सोलर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा समय से हैं और एक एक ए के साथ जुड़े हुए भी हैं इवन देन एज ए फ्रेंड और अगर मैंटर की भी अगर अपन बात करते हैं तो सर आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो अभी सर से ही मैं कंटिन्यू करता हूँ जो साठ पैसे की इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है प्लस उसके साथ में जो पॉलिसी जैसे सुबह यूटिलिटी स्केल का भी डिस्कशन चल रहा था सरकार खुद ही खुद ही की बात नहीं मानेगी सरकार अगर खुद की बनाई हुई पॉलिसी खुद नहीं मानेगी तो सोलर रूफटॉप का इस पर कितना इफेक्ट होगा आज अगर हम इन्वेस्टर्स की बात करते हैं ब्रांड मेकिंग जैसे मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर हुए आज अगर राजस्थान की विडम्बना ये है कि हमारे पास लिटिल बिट मतलब यू कैन से ओनली सिंगल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर वी है तो क्या ये अपना बिजनेस सस्टेन कर पाएंगे जी देखिए मैं ये इतना बताना चाहूँगा कि रूफ टॉप नेट मीटरिंग पॉलिसी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है रूफ टॉप के क्रिडेंशियल को बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ अभी आपने लास्ट टाइम देखा जो कि कैपिंग uh, था रूफटॉप वन प्रीमाइसिस पे वन मेगावाट तक का और अभी उसी को रिड्यूस करके फाइव हंड्रेड कर दिया है तो ये सब चीज़ें ऐड हो रही हैं पॉलिसीज़ में बट ये कहीं कही ना कहीं हमारे जो ट्वेंटी टू ट्वेंटी 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 टू के ग्राफ को भी कहीं कही ना कहीं रिड्यूस कर रही है पॉलिसीज़ uh, में गवर्नमेंट ने कोशिश की थी अगर मैं बात करूँ सत्रह अठारह की रूफटॉप uh, में पॉलिसीज़ uh, को थोड़ा सा उठाया था और अभी पॉलिसीज़ के साथ साथ में मॉड्यूल्स में जो एल का चैलेंज आया चाइना से प्राइस हाइकिंग का चैलेंज आया तो कही न कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है पॉलिसी में आपने पूछा कि साठ पैसा का भी जो टैरिफ और ऐड किया है गवर्नमेंट ने इसका इम्पैक्ट ऑफकोर्स वायबलिटी पे आता है हम लोग हमारा पे दिखाते हैं क्लाइंट को कि आज आप अपना लगाएंगे इतना पैसा लगाएंगे प्लांट का कॉस्ट इतना है उसके अगेंस्ट में आपका पे हम लोग पावर जनरेशन डेप्रिशिएशन टैक्स बेनिफिट्स प्लस अदर ड्यूटीज़ में जो बेनिफिट्स हैं उनके साथ में दिखाते हैं बट कहीं ना कहीं ये पैसा और ये यूनिट uh, पे गवर्नमेंट के चार्जेस लग रहे हैं उससे हमारी वाइबिलिटी को कम कर रहे हैं मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें बात सोलर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता सिर्फ पैनल वॉश करने होते हैं सब सोलर इंडस्ट्री है, समझते हैं आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया पॉलिसी देख के और उसके बाद में पॉलिसी चेंज होती है और आपको एडिशनल पे करना पड़ता है यू कॉन्ट सर्वाइव इट्स जस्ट डेंट टू योर इकोनॉमिक सेंस ऑफ सोलर एट ऑल इन फुल्ली फुली सेंस आई टू एड समीन डज नॉट गेट दैट मनी if even the discom does not get that money ed uh, actually goes to the government's coffers and they have made that decision uh, so discom in a way wants to remove it but i as per my understanding at to today morning sorry uh, but uh, uh, ed they don't make any money An another thing rooftop uh, already if you go for rooftop real estate space is a constraint if already you already have a physical constraint, so there is no need for the discount to say no 500 in Gujarat, 1 megawatt is allowed, up to 1 megawatt rooftop captive is allowed, and in Rajasthan 500 kilowatt. It is my roof, I can do whatever with it. Uh, I mean, uh, it is my right. If I want to put in 2 megawatt, why? And it is under all safety considerations, safety and security, then the government should allow us i think we are uh, when we go to the government and tell them don't put this cap we argue with them uh, uh, that it is this policy is, uh, is some, somehow deficit in terms of uh, there's a deficit in the policy uh, concept in terms of solar we should also go to the government and saying I, this is my roof i have a right to do what to do with my roof this is a fundamental right so I, I think if we go that way to the government also, i think they, uh, they will be positive about it. Uh, uh, we have proposed one project uh, for this example towards the government where we have installed 1.4 .4 megawatt at uh, one roof. they said, Ki you want to use this uh, power for your self-consumption, right? but you can go with 500 for the net metering and rest for the open access third party. So for the open access third party, I have to pay transmission wheeling charges extra. It will be around 1.25 rupees per unit, right? Correct. So again, I'm saying here that the viability of the customer correct. will be subject to the you know policies and the uh, charges applicable for that tariff. Correct, correct. Yeah. Once again, I would like to ask uh, Mr. Akash Vohra. आई थिंक यू आर फ्रॉम गुजरात मतलब यार हमारे मतलब अब क्या कहें मतलब गुजरात से हैं सब जने राजस्थान में फॉलो गुजरात को करते हैं और आपको मैं बताना चाहूँगा देखो अभी तक तो क्या क्वेश्चन आंसर राउंड चल रहा था एक जनरल है अपन थोड़ी सी भावनाओं से अलग बैठते हैं इनके पास टाइम भी है और अपन बात करते हैं पहली चीज आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत के अंदर पूरी सरकार का ध्यान सिर्फ गुजरात पे है बाकी कहीं पे कोई ध्यान नहीं है अगर हम बात करते हैं कैपेसिटी की बात करूं मैं अगर मतलब आई थिंक यू पीपल ऑल आर एग्री विद मी कि आज अगर राजस्थान स्टेट को अगर हम कंपेयर करते हैं मैं सिर्फ रूफ की बात कर रहा हूँ वहाँ पर अगर आप गुजरात से इस चीज़ को कंपेयर करते हैं तो गुजरात में हर एक सपोर्ट सिस्टम है मतलब गुजरात की लोकल जो बॉडीज़ है वो एक ऑक्सीजन का सिलेंडर का काम करती है सोलर रूफटॉप के अंदर एम आई राइट बट वहीं पे राजस्थान की विडम्बना क्या है आजकल थोड़े से लेटेस्ट इशू आपके सामने में लेके आता हूँ और सबसे पहले मैं इसी के बारे में पूछना चाहूँगा ममिता मैम से मोमिता मैम आप कैसे देखते हैं जैसे अगर राजस्थान में इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं आज अगर हम बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर में सोलर रूफटॉप में आज एक ई कंपनी बड़ी मेहनत से कस्टमर के पास जाती है उस कस्टमर को मनाती है सारा आरवाई बताएगी उसको सब्सिडी भी बता देगी सब्सिडी भी दे देगी या नॉन सब्सिडी में भी उसको लगाना है और बाद में जब नेट मीटरिंग एप्लीकेशन एन लेवल पे डिस्कॉम पे लगाई जाती है तो उसको रिजल्ट क्या मिलता है आप सोलर रूफटॉप नहीं लगा सकते वी आर नॉट एबल टू गिव परमिशन बिकॉज आपकी ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी हमारे को सिर्फ पचास परसेंट तक अलाउड है अब आप आपके क्या विचार रहेंगे और आप किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगी कि नेक्स्ट स्टेप पे क्या एक्शन लेना चाहिए कि आज एक कॉलोनी के अंदर जब हमने सोलर रूफटॉप लगा लिए अब पड़ोसी उस लगाना चाहता है और वो लगा नहीं पा रहा क्योंकि ट्रांसफार्मर कैपेसिटी उसको बाउंड कर रही है हार्ड क्वेश्चन है बट इट्स टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स हैं सिर्फ राजस्थान में नहीं मल्टीपल स्टेट्स में हैं इन ऑल मोड्स हैं चाहे आप रूफटॉप कर रहे हैं चाहे आप ओपन एक्सेस कर रहे हैं चाहे आप यूटिलिटी हेल कर रहे हैं टेक्निकल कंस्ट्रेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी मच प्रेजेंट द ओनली रिप्रेजेंटेशन दैट वी एज डेवलपर्स आर एबल टू डू इज़ टू आस्क द रेलिवेंट स्टैचूटरी बॉडीज टू ऑगमेंट द इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी कम है तो उसको इट्स समथिंग दैट वी एज डेवेलपर्स के नॉट सॉल्व ये गवर्नमेंट के अंडर ही आएगा वही कर पाए करेंगे रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं देट इज़ ऑल वी आर एबल टू डू सेम गोज़ Transmission capacity across states, interstate projects. Laga rahe Northern India to Southern India, transmission corridors availability may issue. Hai. So, again, we represent that's all as developers we are able to do. If there is more participation from the industry bodies, that is helpful because at the end of the day, the benefit goes to the commercial and industrial category customers.

आज भी अगर शहर की हार्ट लाइन की अगर हम बात करते हैं तो सोलर रूफ टॉप इज़ द हार्ट लाइन बिकॉज आप जॉब कर रहे हैं आई थिंक यू पीपल आर सर्विंग सम इंस्टीट्यूशन सम कंपनी लेकिन जब आप घर में आते हैं जब आपको महीने की सैलरी मिलती है या बड़े से बड़े बिजनेसमैन मैन हैं जो महीने में जब आपको बिजली के बिल का पैसा खुद की जेब से चुकाना पड़ता है और आप उसमें चाहते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें आई थिंक सुबह यूटिलिटी स्केल पे फाइनेंस की भी बात हुई तो सर थोड़ी सी भावनाएं और व्यक्त कीजिए इसमें पहले तो आप जैसे बोल रहे हैं कि मंथ एंड में बेल आता है दैट्स फाइन बट मोर सो हमको इज ए एक एनवायरमेंटल फ्रेंडली के तौर पे भी देखना चाहिए लाइक समथिंग यू आर गिविंग इट बैक टू द नेचर लाइक दिस अ ग्रीन एनर्जी यू आर कंट्रोलिंग द कार्बनस एंड द फॉसल फ्यूल्स एंड एवरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपार्ट फ्रॉम द कमर्शियल वी शुड ऑल्सो थिंक कि ये हमारे एनवायरमेंट uh, फ्रेंडली है Something we are giving it back to the environment. The second point was, how we can use your transformer 50%. There are the ways. Suppose your transformer is not connecting and you are not going for the net metering. You can go for the captive consumption. You can use all the solar energy within your premises or the industry with the RPR implementation or the other factors. और आर डिपेंड्स ऑन द पॉलिस बिकॉज वी आर बॉर्न टू पॉलिसीज गवर्नमेंट ने एक लेटर निकाल दिया हमको उसको फॉलो करना पड़ेगा सो दिस इज अ रिक्वेस्ट दैट की जो सिंक्रोनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेट गवर्नमेंट दिसकॉम डेवलपर्स ई पी सी वो नहीं है वी आर टॉकिंग ऑन अ वन वर्ड वन सन बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन एक स्टेट ही एक इंटीग्रेशन में नहीं है कहाँ वन वर्ड वन सन आ रहा है सर ने आज भावना हो कि मेरा एक्चुअली तीसरा चौथा क्वेश्चन ये था आज नरेंद्र मोदी जी ने 2018 के अंदर एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत करी वन सन वन ग्रेड वन वर्ल्ड और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके आगे लग गया कि इज़ इट पॉसिबल आज सेंट्रल जो है वो एक सपना देखती है कि मैं जैसे अपन होता हैं ना अपन रात को सोते हैं और सुबह मेरा सपना सच होगा कि नहीं होगा क्योंकि एक बैरीगेट स्टेट लेवल पे उन सब चीज़ों के लिए लग जाता है क्योंकि सरकार क्या सपना देखती है कि मैं आज इंडिया में दिन में बिजली प्रोड्यूस कर लूँ जिस कंट्री के अंदर नाइट है वहाँ पे मैं दिन में मेरी सरप्लस बिजली वहाँ पे मैं भेज दूँ या दूसरी कंट्री से मेरे को बड़े मैं क्या फ़ोन पे बात करूँगा और दूसरी कंट्री से मेरे को परमिशन मिल जाएगी हाँ मैं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ अच्छा सर परमिशन ग्रांटेड क्या ये इस तरीके से ईजी है आज हमारी टेक्निकलिटी और दूसरे कंट्रीज़ की टेक्निकलिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बात बोलने में बहुत आसान होती है कि मेरा सपना है मैं तो चांद पे सीढ़ी चढ़ा के जाना चाहता हूँ पर क्या वो सीढ़ी चाँद तक जाएगी ये पॉसिबल नहीं है आज अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं आज एग्ज़ाम्पल लीजिए अगर हम पिछली सब्सिडी की बात करते हैं कोरोना के चैलेंजेस के अंदर भी लोगों ने काम किया लोगों ने सब्सिडी के अंदर क्योंकि राजस्थान एक चैलेंज है आज वहीं पे मैं वोरा साहब के अगर मैं वोरा साहब से पूछूं कि अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करें हाउ इजी टू डू रूफ टॉप बिजनेस इन गुजरात एंड हाउ हार्ड अ बिजनेस ऑफ सोलर रूफ टॉप इन राजस्थान प्लीज सर थैंक यू तो फॉर स्टार्टर्स लास्ट लास्ट आपका जो क्वेश्चन था ना वो ट्रांसफार्मर का कंस्टेंट तो इट इज इट इज अ सेफ्टी

और ऐसा लग रहा है कि लोकल ट्रांसफॉर्मर में इश्यू होगा तो बिफोर हैंड ओनली व्हेन यू पुट इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन दे गिव एन अपडेट सो लेट्स कम टू ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल है फॉर ऑल ई पी सी कंपनीज वेर यू इट इज डन बाय द नोडल एजेंसी जैसे यहाँ पे आर आर ई सी एल है वहाँ पे जेडा है तो वन ग्रेट थिंग अबाउट जेडा इज जेडा इज फ्लश विथ कैश not by government money essentially it is flush with cash they have made a, their own business model That every time you uh, participate in a project or a, every time you uh, koi aap application dalte ho Jedha charges you 11000 rupees today JEDA, as if i am not wrong they have asset they have assets worth 2000 crores rr RR, I would suggest RR ECL can also make a similar kind of a profit. If I don't know their uh, financial condition, whether they are getting funding or they are making money. Uh, but I think this is a great opportunity for RR ECL just to look at the Gujarat model, create a portal, put in money in that. Every time somebody applies, take money and uh, make yourself cash rich for for doing further R&D for improving the uh, renewable energy uh, portfolio for Rajasthan uh, next thing is uh, once we apply in the portal make all the uh, payments and everything it is very simple uh, uh, next step is uh, it is i would say it is not very rosy in gujarat gujarat also has uh, a lot of constraints uh, one one big in commercial and industrial segment which is mostly where we operate Uh, गुजरात में सेट ऑफ सुबह सात बजे से uh, uh, शाम के छः बजे तक ही है आपका मंथली सेट ऑफ है गुजरात में सिर्फ डे टाइम सेट ऑफ़ है एंड इन एडिशन टू दैट फॉर एवरी यूनिट ऑफ सोलर जनरेटेड गुजरात में एक रुपये दस पैसा लेते हैं फॉर एम एस एम ई और डेढ़ रुपये फॉर नॉन एम एस एम ई सो इट इट टोटली चेंजेज योर आर ओ आई

Make RRECL profitable. I think the government would like that. And Gujarat also is now asking for removal of all kinds of subsidies for rooftop solar. In fact, on paper, Gujarat also gives subsidies for commercial and industrial MSME units who are investing in solar. They get on paper, but they are slowly removing it. They are saying those are pachistak in they are slowly removing it and uh, uh, a lot of customers I know st still don't get the subsidies but they are getting quick uh, uh, quick uh, funding from the uh, local banks. Local banks are very happily funding them. I think Gujarat is uh, more interest to do power trading with the power traders, right? Yes. So this is also the challenge uh, where rooftop projects are going, uh, you know, in competition. Basecoms don't like uh, rooftop solar. That is very clear. Since the last policy, the tariff, the tariff of the Gujarat uh, customers are more lesser than Rajasthan, I think. Uh, uh, sorry, get tariff, tariff of, of the electricity. Tariff of elec Gujarat is the most expensive tariffs, uh, power tariffs in India. One of the most expensive. Uh, just recently, surprisingly, in Gujarat, the uh, torrent. Somehow, which is a private sector uh, discom, they have reduced their power uh, power charges. They have somehow become very efficient in where they supply, and uh, they have reduced their power costs. And the other uh, state-owned discoms have uh, increased their power costs. I'm talking about urban areas, urban areas only. Rural is another ball game. It is uh, uh, so lots of subsidies for poor people and farmers and all of that. So. Uh, also i think it is high time you uh, rajasthan also experiments with getting private discom players in uh, at least large cities like jaipur and around jaipur so uh, this uh, this also uh, would be a great experience for the consumers as, as well uh, any uh, i think one uh, my last question to sir How you compare a subsidy project and a project in non-subsidy? What is the difference between a rooftop project when a M-panel vendor who is installing with lots of bank guarantee to the discoms, or वहीं पे एक बिना subsidy का project, एक EPC वाला लगाता है? तो आपकी नजर में क्या difference होना चाहिए उसमें?